मजबूत शुरुआत के संकेत है। आज दुनिया भर के बाजारों की तेजी का फायदा उठाकर भारतीय बाजार करेंगे हफ्ते की दमदार शुरुआत, और क्या उसके बाद कुछ और मजबूती बढ़ेगी, 11900 को पार कर पाएंगे, टिकेंगे या फिर ऊपरी स्तरों से फिसलेंगे और आएगी मुनाफा वसूली। पिछले हफ्ते के उतार चढ़ाव के बाद इस हफ्ते की क्या होगी स्ट्रेटेजी और क्या रहेगी रेंज, इस पर होगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बड़ा हफ्ता है, कई सवाल पूछने हैं आपसे, तो बताइए इस हफ्ते के लिए, आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? बिल्कुल दीप, आपको और हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और ये उत्सव का जो समय है, ये बाजार में और खुशियाँ लेकर आए, आपके घरों में समृद्धि हो, सुख शांति हो, ये हमारी शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों के लिए। आइए आज के बड़े ट्रिगर्स के साथ करते हैं शुरुआत। डाओ 115 अंक मजबूती के साथ बंद हुआ है, हालांकि ऊपरी स्तरों से फिसल कर दिन के निचले स्तरों के तरफ बंद हुआ है, लेकिन डाओ फ्यूचर्स उसकी काफ़ी हद तक भरपाई करते हुए दिख रहे हैं। 125-150 पॉइंट की मजबूती डाओ फ्यूचर्स में है, जो कि डाओ की ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग को कम करती हुई दिख रहे हैं, इसके नुकसान को कम करती हुई दिख रही है। दुनिया भर के में इस वक्त फिर से कोरोना की दूसरी लहर का डर है, मामलों में तेज उछाल होते हुए दिखे, 4 लाख नए मामले सामने आते हुए दिखे और जुलाई के बाद सबसे ज़्यादा एक दिन के मामले अमेरिका में भी दिखे हैं। लेकिन हमारे यहाँ HDFC बैंक के अच्छे नतीजे हैं, शानदार। लेकिन रिटेल का कारोबार करने वाली दो कंपनियाँ डीमार्ट और शॉपर स्टॉप, इन्होंने कमज़ोर नतीजे पेश किए हैं। आज निफ्टी की दो कंपनियाँ ब्रिटानिया और HDFC लाइफ अपने नतीजे पेश करेगी, वहीं सीमेंट में ACC के नतीजे होंगे और कैश मार्केट के नतीजों की लंबी लिस्ट है आज के लिए। जी दीप, बिल्कुल, तो कई सारे ट्रिगर्स हैं अनिल जी, और उन्हीं पे बात करते हैं। आप रिटेल बिक्री की बात कर रहे थे, नंबर्स तो खैर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं सर, पर जिस तरह से अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की सेल्स को रिस्पांस आ रहा है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है। आपने भी सेल का फ़ायदा उठाया सर, वीकेंड पर कुछ खरीदारी करी इन सेल्स में? अनफॉर्चुनेटली नॉट माई कप ऑफ टी दीप। एक तो वैसे भी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के मामले में थोड़ा ढीला हूँ, और जब भी इसकी ज़रूरत होती तो मैं अपने बेटों की तरफ रुख करता हूँ और उनको कहता हूँ, और उनका ये कहना है कि भाई इस तरह की सेल में बड़ा मुश्किल है, जो आप खरीदना चाहें, जिस दाम पर खरीदना चाहें, वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसके लिए बड़े वो वैसा वाला मामला है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चाहिए, तब जाकर आपको मिल पाता है, जो कि हमारे बस की बात शायद ना हो। लेकिन हाँ, लोगों ने फ़ायदा ज़रूर उठाया और जमकर उठाया, जिस तरह की सेल्स हुई है, माय गॉड। एक आंकड़ा जो मैं पढ़ रहा था, अमेज़न ने 98% आपके पिन कोड कवर किए हैं पहली दिन। मतलब ये मतलब हिंदुस्तान में जितने पोस्टल एड्रेसेस हैं, जो पिन कोड के जरिए हम कहते हैं ना कि ये एरिया है, उसके 98% में अमेज़न के प्रोडक्ट्स गए हैं। इसका मतलब सोचिए कितनी पूरी देश भर में इस सेल का लुत्फ लोग उठा रहे हैं। फ्लिपकार्ट ने भी बड़ी तगड़ी सेल की है। तो सबसे बढ़िया बात ये कि कम से कम कंज्यूमर सेंटिमेंट मजबूत है, लोग फेस्टिव सीजन से पहले खरीदारी के मूड में आ रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, और भले ही से आप एक तरह से कह दें कि इतने महीनों तक शायद वो मौका ना मिला इसलिए कर रहे हो, चाहे आगे त्योहारी सीजन हो, लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर का परचेजिंग पावर है, उनकी खरीदने की क्षमता है, शक्ति है, और उससे वो दिखा रहे हैं। तो सेंटिमेंट के लिहाज से ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और सबसे बढ़िया बात है कि इससे बिजनेस साइकिल ट्रिगर होता है। अल्टीमेटली अमेज़न पर जो भी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, फ्लिपकार्ट पर बिक रहे हैं, या किसी भी और साइट पर बिक रहे हैं, ई कॉमर्स साइट पर, लेकिन वो आपको इकोनॉमी में गति देने का काम करती है। ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर्स आगे नीचे तक पहुँचेंगे, सारे मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे, तो ये एक ट्रैक पर आने वाली जो बात है, ये मुझे लगता है काफ़ी ज़बरदस्त है। तो कुल मिलाकर इस सेल का फ़ायदा डायरेक्टली उन लोगों को हुआ होगा जिन्होंने खरीदारी की और उन्हें अपने पसंदीदा प्रोडक्ट मिल पाए, इनडायरेक्टली इकोनॉमी को है, जहाँ पर काफ़ी कंपनियों के लिए, काफ़ी SMEs के लिए, MSMEs के लिए कारोबार फिर से ट्रैक पर आने की संभावनाएं बनेगी, और कंज्यूमर्स का खर्चा करना हमेशा इकोनॉमी के हित में होता है। तो ये वाकई में इस वीकेंड की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन खबर थी, सिवाय इसके कि 3-3 सुपर ओवर हमने कल देखे देर रात तक। तो अगर शायद आज आपको थोड़ी सी आंखें भारी दिख रही हो, तो उसकी वजह दीप ये है कि कल देर रात तक, मतलब जो क्रिकेट के दोनों मैच देखे, और सुपर संडे था, ऐसे मैचेस एक्चुअली सैटरडे को होने चाहिए जहां दोनों ही मैच में सुपर ओवर हो और एक मैच में दो बार सुपर ओवर, अमेजिंग, मतलब गजब ही है, इट्स अनबिलीवेबल, मज़ा आ गया।
डेफिनेटली सर, वीकेंड का पूरा टोन सेट कर दिया था, बेहतरीन एक्शन रहा और स्पोर्टिंग एक्शन ने तो चार चांद लगा दिए सर। तो फिर एक्शन को आगे बढ़ाते हैं सर। वैसे तो आज ग्लोबल क्यूज काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं और उसी पर एक सवाल था, उसके बाद भारतीय बाजारों पर भी एक सवाल है आपके लिए, पर किस तरह से रीड करें, क्योंकि कोरोना की चिंता जो यूरोप में थी अब वो यूएस में भी आती हुई दिख रही है। स्टिमुलस बिल अगर पास करना है तो इसी हफ्ते होगा, फिर तो अब चुनाव में हम आ जाएंगे, तो किस तरह से देखें ग्लोबल सेटअप को सर? अप्रैल मई के बाद जो सीखा है दीप, वो ये कि ज़रूरी नहीं कि कोरोना को लेकर चिंताएं करनी है, कोरोना को लेकर चिंताएं करनी है, लेकिन अपनी हेल्थ तक, वेल्थ तक करनी है या नहीं करनी, वो कहना जल्दबाजी होगी। और आप देखिए, एक दिन जो यूरोप के बाजार 2.5-3% गिरे कि रिस्ट्रिक्शंस नए लग सकते हैं, ठीक है ना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, ये सारे देश परेशान हो रहे हैं, लेकिन एक दिन की गिरावट के बाद अगर उस दिन डाउ नहीं गिरा और डाउ मुश्किल से 15 पॉइंट नीचे बंद हुआ, सब लोग भूल गए। आप भी आज भी देखिए ना, आज शुरुआत करने के लिए सब जगह हरियाली है, जबकि कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले वीकेंड पर आए। तो अभी तक जो संकेत है वो ये सिर्फ ये है कि कोरोना को लेकर आपको अपनी हेल्थ की चिंता करनी है, वेल्थ पर शायद ज़्यादा फर्क पड़ता ना दिखे। अब किसी एक दिन, जिस दिन बाजार का मन होगा उस दिन वो अचानक से उस पर रिएक्शन देंगे, और रिएक्शन करने के बाद हम पोस्टमार्टम कर डालेंगे कि बाजार गिरा क्यों। लेकिन क्या आज कोरोना के मामलों को लेकर बाजार रिएक्शन देगा? अभी तक तो नहीं दिख रहा, न एशिया में दिख रहा है, न अमेरिका के फ्यूचर्स में दिख रहा है, न हमारी एसजेक निफ्टी में दिख रहा है, तो फिर चिंता क्यों करें? फिर ठीक है, जब जिस दिन देना होगा उस दिन देगा, अभी तो कम से कम डर नहीं है। लेकिन ये बात सही है, अब से लेकर अमेरिकी चुनाव तक ढेर सारे ट्रिगर्स आपके सामने होते हैं, लेकिन उस ट्रिगर में जो कि चुनाव में कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे होगा, क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जब तक आकर फाइनल ना हो तब तक जो एक अनिश्चितता अमेरिकी बाजारों में रहती है और उसका एक सीमित असर दुनिया भर के बाजारों में पड़ता हुआ दिखता है, उसके साथ आपके लिए एक समस्या और खड़ी हो गई है, वो ये कोरोना वाली। तो ये उतार चढ़ाव बढ़ा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं, और उस लिहाज से आपको सावधानी रखनी है। डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सावधानी रखना भी छोड़ दें कि फ़र्क ही नहीं पड़ता न आपको हेल्थ के हिसाब से न वेल्थ के हिसाब से, सावधानी छोड़नी है। तो सिर्फ इतना ध्यान में रखें, आंकड़ों पर नज़र रखें, और आपने देखा होगा दीप, बड़े दिनों बाद, लंबे दिनों के बाद आज फिर से हमारी कोरोना की हेडलाइन बनती हुई दिखी, और हमने आंकड़े बताए कि क्या कुछ हो रहा है। जब तक ज़रूरत नहीं थी नहीं बता रहे थे, लेकिन अब भले हिंदुस्तान में सिचुएशन एकदम कंफर्टेबल है, बढ़िया है, इनफैक्ट हमारे यहाँ के आंकड़े तो बहुत ही बेहतर हो रहे हैं, रिकवरी वाले केसेस ज़्यादा हैं नए केसेस के मुकाबले में, तो हमारे यहाँ सिचुएशन बेहतर है। बस हमें सबक ले लेने चाहिए, जो कुछ यूरोप में वापस हुआ, बीच में वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन बनी थी कि सब कुछ ठीक होता हुआ दिखा था, लेकिन अचानक से वापस चीज़ें बिगड़ती हुई दिखी है, तो हम वहाँ से सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों चुस्त दुरुस्त रहे, वो ठीक है। लेकिन हाँ, अभी बाजारों का रिएक्शन नहीं है, अगर स्थिति जरूरत से ज़्यादा बिगड़ी तो बाजार दो चीज़ों पर रिएक्शन देंगे ग्लोबल मार्केट्स में, अमेरिका के चुनाव और कोरोना के अपडेट्स पर। जी दीप, बिल्कुल, तो अमेरिका के चुनाव और कोरोना अपडेट्स, ये दो अहम ग्लोबल ट्रिगर्स हैं जहां पर नजर रहेगी। 22 अक्टूबर को फिर से ट्रंप और बाइडेन के बीच में बहस होगी, वहां से भी बाजार क्यूज लेंगे। सर, भारतीय बाजारों की भी बात करें, पिछला हफ्ता तो काफी एक्शन पैक्ड रहा, उतार चढ़ाव जमकर देखने को मिला, इस हफ्ते के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि 11 निफ्टी अर्निंग्स भी आने वाली हैं, कई सारे वायदा कारोबार के भी रिजल्ट्स रहेंगे, तो किस तरह से समझें भारतीय बाजार के एक्शन को? दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि भारतीय बाजारों में एक्शन बढ़ने वाला है, लेकिन पिछले हफ्ते से कुछ सबक आपके सामने हैं, और वो सबक ये है कि ट्रेंड मजबूती का है, और मजबूती के ट्रेंड में आप एक दो दिन के करेक्शन से घबराए ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब तक अहम लेवल तोड़कर बाजार नीचे बंद ना हो तब तक आप ये मत सोचिए कि ट्रेंड बदल गया। तीसरी चीज़, करेक्शन जब भी आएंगे या तो प्राइस वाइज आएंगे, वो शार्प हो सकते हैं, या टाइम वाइज करेक्शन आपको परेशान कर सकते हैं कि कुछ बाजार में हो नहीं रहा। ये तीनों चीज़ें आपने पिछले हफ्ते देखी है, तो हम लगातार, आपको याद होगा, यही बात कर रहे थे कि अगर 11,650 के नीचे निफ्टी बंद होता है और तो आप ये सोचिए कि आपके लिए ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ है, अदरवाइज 12,025 से 11,650 तक का अगर एक करेक्शन होता है तो हेल्दी करेक्शन है, 3.5-4% का करेक्शन। आप 10,800 से 12,000 तक की नॉन स्टॉप तेजी देख चुके हैं 1200 पॉइंट की। अब 1200 पॉइंट की तेजी के बाद अगर 400 पॉइंट का करेक्शन होता है तो गलत क्या है, ये तो बाजार की सेहत के लिए अच्छा ही है। तो कहीं कोई आपने 11,650 के नीछे की एक भी क्लोजिंग देखी नहीं, इनफैक्ट 11,660-70 के आसपास दोनों बार बाजार ने सपोर्ट लिया और वहां से रिवर्स होता हुआ दिखा। तो ट्रेंड बिल्कुल साफ है,
मोमेंटम अच्छा है, आपको सिर्फ ये पता रखना है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है और वो आज स्टॉप लॉस मैं आपको दूंगा भी, तो वो स्टॉप लॉस जब तक ट्रिगर ना हो तब तक आपको अपनी तेजी की पोजीशन को बरकरार रखना है। मार्केट को ट्रेड करने का यही तरीका है। हाँ, ये ज़रूर है कि रेंज बाउंड ट्रेड में पिछले 3-4 दिनों में आपको दोनों तरफ ट्रेड के मौके मिले, लेकिन इस वक्त जिस लेवल पर आप हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड के बजाय हो सकता है बायो डिप्स की रणनीति ज़्यादा सही रहेगी, और ऐसे में आपको सही लेवल मिले वहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। और प्लस मैं 2 लेवल का इंतज़ार और कर रहा हूँ दीप, जिसके ऊपर मुझे क्लोजिंग मिले तो फुल फ्लेज नए हाइज की तरफ बढ़ने की भी तैयारी है। तो जहाँ एक और आपको ये पता है कि जब तक निफ्टी आपका क्लोज नहीं होता 11,650 के नीचे, तब तक आपका ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल नहीं होगा। जब तक आपका बैंक निफ्टी 22,850 के नीचे बंद नहीं होता, तब तक आपका ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ हैं, लेकिन इसके साथ ही 2 इंटरेस्टिंग लेवल और हैं मेरे पास में जो मैं आपको बताने वाला हूँ दीप, और जिसके ऊपर अगर बाजार बंद होगा तो आपको फुल फ्लेज वापस से तेजी और नए हाई के लिए ट्रेड करना होगा। वो 2 लेवल भी सामने आएंगे थोड़ी देर में। बिल्कुल अनिल जी, तो फोकस करते हैं फिर आज के सेटअप पर जैसे कि अनिल जी कह रहे हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव है, सेंटिमेंट बाजार का अच्छा ही दिख रहा है, तो आज के सेटअप क्या बता रहे हैं सर, ज़्यादातर क्यूज पॉजिटिव या न्यूट्रली दिख रही हैं आज के लिए? जी हाँ, ज़्यादातर संकेत, लेकिन देखिए ग्लोबल तो पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। FIs के मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे, न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड के नेगेटिव साइड पर ही हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट जरूर मैंने न्यूट्रल से पॉजिटिव किया। तो एक बदलाव सेंटिमेंट में हुआ है, दूसरा बदलाव ग्लोबल संकेतों में हुआ है, ट्रेंड आपका पॉजिटिव ही है और पॉजिटिव ही था। अब आइए दीप, मैं आपको आज की रेंज दे दूं, 11,675 11,725 ये मजबूत सपोर्ट जोन है, 11,875 और 11,925 ये आपके लिए आज की ऊपरी रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी 23,150 23,200 मजबूत सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाने की संभावना कम है। रॉक बॉटम 23,000, ऊपरी लेवल्स 23,700 से 23,850 के बनेंगे, इसके पार निकलने के बाद आपको 24,075 24,175 की वो रेंज मिलेगी जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए और एग्रेसिव ट्रेडर्स को वहां पर एक शॉर्ट कॉल भी लेना चाहिए 24,075 24,175 की रेंज में। ये दीप आपके लिए बड़े रेंज हो गए। अब मैं आपको वो लेवल बता दूं जिसके ऊपर बंद होने के बाद आपको फिर से तेजी का रुझान बनाना है। निफ्टी पर वो लेवल है 11,975 11,975 या सेफर साइड पर आप चाहें तो 12,000 मान लें। देखिए इस पूरे रनअप में 14 अक्टूबर को आपको 11,971 की क्लोजिंग मिली है, ठीक है ना, ये हाईएस्ट क्लोजिंग है अब तक की, और अब तक का जो इस पूरे रनअप में जो 23 मार्च को लो बनाने के बाद हमने बनाया है, हाईएस्ट लेवल आया है निफ्टी में इंट्राडे में 12,025 का। तो ये 11,975 12,025 ये आखिरी रुकावट की लेवल है, इसके पार निकले तो आप 12,400 तक पहुंचने की कोशिश निफ्टी पर करेंगे। तो ये एक रेंज है जिसको पार करके बाजार को टिकना और बंद होना है 11,975 12,025। अब आइए बैंक निफ्टी 23,850 23,875 ये 2 लेवल है जिसके ऊपर बैंक निफ्टी ने जिसके आसपास 2 दिन बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते में क्लोजिंग दी है। अब अगर आप 23,900 के ऊपर क्लोज होते हैं तो आप 24,500 25,200 की रेंज में जाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक निफ्टी हाई बनाएगा लाइफ टाइम हाई, अभी उसमें काफ़ी वक्त है, लेकिन 24,500 से 25,200 700 पॉइंट का अल्टीमेट टारगेट जो है बैंक निफ्टी का जोन जहां पर बैंक निफ्टी को पहुंचना है। बैंक निफ्टी 25,232 के लेवल से करेक्ट होकर नीचे आया 20,400 तक, तो वापस से आपको 25,200 के आसपास पहुंचने के लिए 23,900 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। 23,900 के ऊपर की क्लोजिंग मिली फिर लाइफ आप एंजॉय कीजिए। जी दीप, अब मैं आपको दिन की छोटी रेंज दे देता हूँ, 11,775 11,825 आज के दिन की छोटी रेंज है, 11,725 11,875 दिन की मीडियम रेंज है, ज़्यादा संभावना है कि आज आप इसी मीडियम रेंज से काम चला लें, फिर भी एक बड़ी रेंज और आप अपने हाथ में रखें 11,675 11,925 की रेंज, ये आपके काम की होगी। बैंक निफ्टी 23,500 23,700 आज की छोटी रेंज है, संभावना ये कि HDFC के नेतृत्व के दम पर 23,700 के आसपास आप खुलते हुए दिखें, 23,425 23,850 ये आपके लिए मीडियम रेंज होगी, और बड़ी रेंज 23,175 से 24,075 ये 900 पॉइंट की रेंज आपके लिए बड़ी रेंज के तौर पर काम करेगी। जी दीप, बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम रेंजेस जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। सर, FIs की पोजीशनिंग कैसी दिख रही है और पुट कॉल रेशियो से क्या संकेत आ रहे हैं?
एफआई ने नेट लॉन्ग 1% से बढ़ाई है, 65 से 66%, ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा कम हुआ, 1.37 से 1.31 कंफर्टेबल है। विक्स 9% बढ़ने के बाद शुक्रवार के सेशन में 2% कम हुआ है। जिन लोगों की तेजी की पोजीशन है वो एक ही स्टॉप लॉस रखें इंट्राडे या क्लोजिंग बेसिस पे 11,650, ये स्टॉप लॉस आपके लिए सफिशियंट होगा। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस मैं छोटा दे रहा हूँ दीप, वो 22 मैंने लेवल 23,400 का होगा, 22,400 नहीं, 23,400 का स्टॉप लॉस इंट्राडे में होगा और क्लोजिंग बेसिस पर भी 23,150 होगा। इन दोनों लेवल को आप एक बार चेंज कर ले, 23,150 के नीचे बंद हो बैंक निफ्टी तो आपको बैंक निफ्टी में पोजीशन आपको आप एग्जिट कर लेनी है, और अगर 23,400 के नीचे बैंक निफ्टी दिन के दौरान जाता है तो भी आपको अपनी इंट्राडे पोजीशन काट लेनी है। जिन लोगों की शॉर्ट पोजीशन है निफ्टी पर 11,800 या 11,825 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 11,800 का ही रख लें, क्यों फालतू की ज़्यादा रिस्क लेनी है। 11,850 के ऊपर अगर आज बंद होता है तो एक बार आप शॉर्ट काट सकते हैं, और जिनको बहुत लंबा स्टॉप लॉस रखना है वो 12,000 के आसपास करके वो ठीक नहीं है। 11,850 के ऊपर बंद होने पर आपको शॉर्ट एक बार की काट लेनी चाहिए। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे में 23,725 के ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी, शॉर्ट काट लीजिए, और 23,900 के ऊपर बंद होता है तो न सिर्फ शॉर्ट काटिए बल्कि लॉन्ग पोजिशन भी बनाकर आपको जाना चाहिए। ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपकी एग्जिस्टिंग पोजिशन पर स्टॉप लॉस की राय। जी दीप, बिल्कुल अनिल जी, तो ये तो रही आपके कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस के लिए, नई पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए? देखिए दीप, नई पोजीशन के लिए आपको 11,675 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए। जिनको और डीप लगाना है तो 11,650 का लगा लें, अदरवाइज 11,675 का स्टॉप लॉस काफ़ी है। 11,825, 11,875, 11,925 तीन टारगेट ऊपर के रखें, अगर इसके पार निकला वैसे संभावना कम है आज के लिए, लेकिन फिर भी 11,975 फाइनल टारगेट, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके सारा प्रॉफिट समेट कर शांति से बैठ जाइए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं अब उनके लिए वैसे तो बढ़िया रेंज 11,925, 11,975 है, वहाँ पर आपको शॉर्ट करना चाहिए। बहुत एग्रेसिव है तो आप 11,875 से मूड बनाना शुरू करें कि क्या मुझे शॉर्ट करना है, क्या मुझे बेचना चाहिए, लेकिन सेफ जो है शॉर्ट करना वो 11,925, 11,975 की रेंज में ही है, वहाँ पर आपको शॉर्ट करना है। 12,025 का आपका क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है। 11,825, 11,800, 11,775 इन तीन रेंज के लिए आपको शॉर्ट पोजिशन बनानी चाहिए निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी खरीदिए, 23,400 का स्टॉप लॉस, यहां से 125 पॉइंट नीचे ही का स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं थोड़ा गैप से खुलेगा, तब आपके टारगेट जो बनेंगे 23,700 का पहला टारगेट होगा, हो सकता है उसके आसपास ही खुले, तब भी ऊपर की ओर जगह बनेगी 23,850, 23,950, 24,050 और 24,175, 24,050, 24,175 फाइनल टारगेट है, वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो उस रेंज में बेचने का भी सोच सकते हैं। अब 23,950 से आपको बेचने का सोचना चाहिए, 24,050 से बिकवाली कर देनी चाहिए और 24,175 तक और बेचना चाहिए, स्ट्रिक स्टॉप लॉस 24,200, बस सिंपल, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस रखना ही है, 24,200 का स्टॉप लॉस, और 24,200 के ऊपर निकल कर टिक जाए बंद होने की संभावना हो तो न सिर्फ आपको शॉर्ट काटनी, फ्रेश और डबल लॉन्ग जिसको कहते हैं वो करके जाना चाहिए। 23,850 और 23,550 तीन टारगेट नीचे की तरफ के बनते हैं जिनके लिए आप निफ्टी में बना सकते हैं शॉर्ट पोजीशन। जी दीप, बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए नई पोजीशंस बनाने की सलाह। 11 स्टॉक्स बैन में थे, 11 स्टॉक्स ही बैन में रहेंगे, पर एक बदलाव है, माइंडट्री की एग्जिट करेगा, टाटा मोटर्स की एंट्री हो रही है, बाकी 10 के 10 स्टॉक्स कॉमन ही रहेंगे, आइडिया, बीएचएल, अदानी एंटरप्राइजेस, जेएसपीएल, कैनरा बैंक, सेल, एस्कॉर्ट्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, पीएनबी और पीवीआर। सर अब थोड़ा डिटेल्स में बताइए, जो फंड्स का एक्शन रहा है, एफआईएस आप कह रहे थे नेगेटिव रखना था पर न्यूट्रल रखा है, किस तरह से एक्शन समझें एफआईएस का? देखिए एफआईएस की तरफ से दीप जो है ना आंकड़े छोटे हुए हैं, 480 करोड़ की बिकवाली बड़ी नहीं है, लेकिन आप देखिए मार्केट की तेजी के हिसाब से 82 पॉइंट जब आपका निफ्टी बंद हुआ हो ऊपर शुक्रवार को और 460 पॉइंट बैंक निफ्टी बंद हुआ हो ऊपर, तो फिर बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा अच्छा नहीं है। 480 करोड़ की बिकवाली कैश में है छोटी है, 42 करोड़ के इंडेक्स उन्होंने बेचे और 137 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे हैं, तो नेट नेट बिकवाली एफआईएस की कोई खास नहीं है। 140 करोड़ की बिकवाली आप निकाल दो तो कितना, 340 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, तो बड़ी नहीं है, उस लिहाज से मैंने डेटा न्यूट्रल रखे हैं। घरेलू फंड ने भी कोई बड़ी बिकवाली नहीं की, 430 करोड़ की बिकवाली की, हाँ 672 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा ऑप्शंस का जो दिख रहा है वो आपको लग सकता है कि ऑप्शन में खरीदारी की, लेकिन ऑप्शन दोनों ही बराबर खरीदे हैं,
पुट और कॉल, तो वो आंकड़े न्यूट्रल हैं, इसलिए एफआईएस के आंकड़े न्यूट्रल साइड पर ज्यादा है बजाय नेगेटिव के। घरेलू फंड के भी आंकड़े बड़े नहीं है, लेकिन चूंकि इनका ट्रेंड न्यूट्रल ही चल रहा है, लगातार बेच ही रहे हैं, इसलिए मैंने उस ट्रेंड को बरकरार रहने दिया न्यूट्रल साइड पर। अब आइए वायदा कारोबार की तरफ दी, ठीक है। वायदा कारोबार में पहली तो ये कि एफआईएस ने नेट लॉन्ग कोई खास बदलाव नहीं किया, 1% बढ़ा है। निफ्टी में 900,000 शेयर कम हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में, यानी कि शुक्रवार के सेशन में ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन कम की, और एफआईएस की तरफ से भी इंडेक्स में पोजीशन कम होती दिखी। बैंक निफ्टी में भी 100,000 शेयर कम हुए, क्योंकि क्या है, दो दिनों तक जो वॉलिटिलिटी हुई ना, तो फिर जो बढ़ा है ना मार्केट, उसमें तेजी करने वाले ट्रेडर्स भी थोड़े हिले हुए, चलिए भाव आया निकलते हैं, क्यों फालतू में रिस्क लेना है, वीकेंड सेशन भी है, तो काफी हद तक पोजीशन थोड़ी थोड़ी कम होती हुई दिखी है। इसीलिए पुट कॉल रेशियो आपका 6 बेसिस पॉइंट घटा है, 1.31 पर आया, 1.37 से जो कंफर्टेबल है। अब जो रेंज लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है वायदा कारोबार के लिहाज से, पहले आइए 11,800 की बात करते हैं, जहां पर कॉल्स में 18,00,000 शेयर हैं। 11,800 के ऊपर आज आप खुलेंगे, उसके आसपास खुलेंगे, और 11,800 के ऊपर टिकने के बाद हल्की फुल्की थोड़ी शॉर्ट कवरिंग फ्रेश खरीदारी आ सकती है। फिर अगला बड़ा लेवल वायदा कारोबार के लिहाज से 11,900 का निकल कर आता है, और 11,700 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो फिलहाल जो रेंज दिख रही है निफ्टी की वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से 11,700-11,900 की, ये आपके लिए 25-30 पॉइंट ऊपर नीचे, 35 पॉइंट स्पेशली 11,935-11,765, ये आप गिन लीजिए। अब आइए बैंक निफ्टी 23,500 जहां पर आप बंद हुए, यही मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि 23,500 के पुट पर भी 5,00,000 शेयर हैं, कॉल्स पर भी 5,00,000 शेयर हैं। अब आज आप खुलेंगे ऊपर, तो 23,500 आपने एक तरह से जीत लिया। अगला बड़ा लेवल जो आएगा वो 24,000 का आएगा, वो भी बहुत बड़ा नहीं, 7,00,000 शेयर ही हैं वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में पोजीशंस काफ़ी कम हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग या बहुत ज़्यादा खरीदारी के वो संकेत अभी डेटा में नहीं है, और जनरली सीरीज़ के पहले दिन वीकली सीरीज़ हो तब भी बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो एक आध दिन देखते हैं आज किस तरह से डेटा आगे बढ़ते हैं। जी दीप, ओके, तो ये है आपके लिए आज का पूरा पूरा सेटअप और किन लेवल्स पर आपको रखनी है नज़र। कुछ ही देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जानेंगे कई सारे जो नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड, उसका एक्सरे करेंगे और समझेंगे कि कहाँ क्या समझना चाहिए आपको उन नंबर से, और साथ ही कई सारे स्टॉक्स पर भी हमारा फोकस है। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ रही है, कुशल, वरुण और साथ ही आशीष। गुड मॉर्निंग कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, तो सबसे पहले आज के ट्रिगर्स में नतीजों पर आप नज़र रखिए, जिसमें ब्रिटानिया निफ्टी से और साथ ही HDFC लाइफ, इन दोनों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे, और F&O स्पेस से ACC के नंबर्स भी पोस्ट मार्केट आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आपको कैश स्पेस में देखना है तो रैलिस इंडिया, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, हैटसन एग्रो जिसकी बोनस इशू पर भी आज बोर्ड बैठक होने वाली है, CSB बैंक, सेंचुरी टेक्सटाइल्स जैसे शेयरों पर आपको नजर रखनी होगी। साथ साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जो कट ऑफ टाइम है उसको अब बढ़ाकर वापस से 3 बजे कर दिया गया है, तो यहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। और साथ ही महाराष्ट्र में जो मेट्रो सर्विसेज है, मेट्रो ट्रेन सेवा, वो वापस से शुरू होती हुई नजर आएगी आज। इनफैक्ट आज इंडिया चाइना के बीच में जो कॉप कमांडर की बैठक है उसकी भी संभावना है कि आज ये होती हुई नजर आ सकती है। साथ साथ पोस्ट मार्केट जो नंबर्स आते हुए नजर आए थे, जिसमें HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो यहां पर अनुमान के हिसाब से नंबर्स आते हुए नजर आए हैं, जिसमें प्रोविजनिंग जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3890 करोड़ से घटकर 3704 करोड़ रुपए आती हुई नजर आई है, और कंपनी का जो मुनाफा है वो 18% बढ़ा है। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज दीपांशु, यहां पर आपको इनकी एसेट क्वालिटी में सुधार देखना जो दिखा गया है उस पर नोट करना होगा। 1.4% से घटकर इनके ग्रॉस एनपीए 1.08% आते हुए नजर आए हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस 1.6% की थी, यानी कि GNPA बढ़ने की आशंका थी, उसके मुकाबले ये काफी सिग्निफिकेंट गिरावट इन्होंने दर्ज की है, जो काफी बेहतर साइड माना जाता है बैंकों के लिए। और साथ ही जो नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं शशिधर जगदीशन, वो भी 27 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। साथ साथ कैश स्पेस के भी कुछ नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें बजाज कंज्यूमर नंबर्स फ्लैट आते हुए दिखे हैं, मार्जिन्स 27.7% से घटकर 27% रहे हैं, साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो ऑलमोस्ट 2.25% तक ही बढ़ता हुआ नजर आया है, तो आप फ्लैट नंबर्स इसको देख सकते हैं। इसके अलावा टेन प्लेट नंबर्स मिले जुले रहे हैं, क्योंकि आय में 1.3% की गिरावट आई है, पर अगर आप मार्जिन देखें तो 5.5% से बढ़कर 6% मार्जिन है, और कंपनी का मुनाफे में 26% का उछाल देखा गया है। प्रभात डेयरी, यहां पर भी नंबर्स आप मिक्स कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो कामकाजी मुनाफा है वो 0.18 करोड़ से बढ़कर 1.9 करोड़ आता हुआ दिखा है, पर कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर ऑलमोस्ट 20% की गिरावट रही है, क्योंकि अन्य आय जो है वो 16.8 करोड़ से घटकर 10.4 करोड़ होती हुई दिखी है। इसके अलावा कुछ एक खबरें हैं मेरे पास, जिसमें जेट एयरवेज पहला है,
और यहाँ पर इनके लिए फाइनली एक अच्छी खबर आती हुई नजर आई है, जिसमें कैलरॉक कैपिटल और मुरारीलाल जैन इनके कंसोर्टियम ने एक बोली जीती है। इनफैक्ट इसका ये जो रेजोल्यूशन प्लान है अब एनसीएलटी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, तो आपको इस पर भी फोकस रखनी होगी कि किस हिसाब से अब आगे इस स्टॉक के लिए, इस कंपनी के लिए डेवलपमेंट होती हुई दिखती है। साथ ही प्रेस्टीज एस्टेट्स पर नजर रखिए, वीकेंड के दौरान यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट डील इन्होंने ब्लैकस्टोन के साथ स्ट्राइक की है, जिसमें कुछ एक कमर्शियल एसेट्स जो है वो ये खरीदते हुए नजर आएंगे और डील की जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की लगाई जा रही है। इनफैक्ट ये इससे जो कैश फ्लोज इनको आएगा उससे ये कर्ज कम करते हुए नजर आएंगे और FY20 के अंत तक अगर आप देखें तो कर्ज ऑलमोस्ट 9300 करोड़ का है इनका। और अंत में शॉपर स्टॉप यहां पर फोकस रखिए, क्योंकि इनके बोर्ड ने राइट्स इश्यू के जरिए 300 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। बिल्कुल, तो कई सारे नतीजे हैं और कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर चर्चा करेंगे। वरुण, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अनिल जी, एक बार आपकी भी राय सर HDFC बैंक के नतीजों पर। वैसे तो बाजार खुश है नतीजों से, पर थोड़े कंसर्न्स आए हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर, स्पेशली जो इनके NBFC की परफॉर्मेंस है। बिल्कुल सही कहा दीप, एक्चुअली नंबर्स वैसे देखेंगे तो बहुत मजबूत है और HDFC बैंक से हमेशा आप अच्छे नंबर्स की उम्मीद करते हैं। एसेट क्वालिटी में जो सुधार है वो बेहतरीन है और आपको याद होगा कि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था बीच में, उनका ये कहना भी था कि प्री कोविड लेवल्स पर बिजनेस पहुंचते हुए दिख रहे हैं और मॉरेटोरियम का फ़ायदा उठाने वाले इनके कस्टमर्स भी काफ़ी कम है। अगर मॉरेटोरियम का फ़ायदा उठाने वाले कस्टमर्स काफ़ी कम है और उसके बाद एसेट क्वालिटी में दमदार सुधार होता है और प्रोविजनिंग कम करनी पड़ती, तो ये मजबूती दिखाता है। HDB फाइनेंस जो इनकी होम लोन्स हाउसिंग फाइनेंस वाली जो सब्सिडी कंपनी है उसकी बुक्स को लेकर थोड़ी सी शायद चिंताएँ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाजार उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन देगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, मेरा ये समझना 20-30 रुपए की तेजी HDFC बैंक में बननी चाहिए कम से कम शुरुआती कारोबार में, उसके बाद देखते हैं कि क्या कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, मजबूत रहता है। बट पॉइंट्स एकदम साफ है कि HDFC बैंक के रिजल्ट्स को बाजार जो देखेगा वो HDB फाइनेंस के बजाय HDFC बैंक की मजबूती के दम पर ही देखेगा और उस लिहाज से, हर लिहाज से रिजल्ट्स आपको मजबूत दिखेंगे। आउटलुक कमेंट्री वो भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, तो उस कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। एक ही चीज़ है जो ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकती है, क्योंकि रिजल्ट्स के पहले सब लोग HDFC बैंक पर बुलिश थे और उस लिहाज से अगर थोड़ा बढ़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो अलग बात है, बट अदरवाइज स्टॉक बहुत मजबूत है, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है और हो सकता है बैंक निफ्टी की आज की तेजी को HDFC बैंक ही लीड करने की कोशिश करे, वो भी एक संभावना है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है HDFC बैंक के। जी दीप, ये है आपके लिए HDFC बैंक के नतीजों का विश्लेषण और देखते हैं कि बाजार का क्या रिएक्शन आता है इस पर। पर कुछ और स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, वरुण के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले तो हाल ही में लिस्टेड कंपनी एंजल ब्रोकिंग, इस कंपनी को 26 तारीख को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे अंतरिम डिविडेंड पे विचार किया जाने वाला है और 3 नवंबर को इनफैक्ट डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी है। डॉक्टर रेड्डीज स्पुटनिक की वैक्सीन के लिए DGCI से फेज 3 के ट्रायल के लिए यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है, तो ये सबसे बड़ी खबर इसके लिए। APL अपोलो ट्यूब्स 28 तारीख को नतीजों के साथ साथ शेयर के विभाजन पे बोर्ड विचार करने वाला है। SRF QIP का प्राइस आ चुका है, 4,250 के भाव पे जारी किए गए हैं QIP को और 750 करोड़ इस कंपनी ने जुटाए हैं। कैडिला इस कंपनी को USFDA से लीवर से जुड़ी बीमारी की एक दवा के लिए अप्रूवल मिल चुका है। DHFL इस कंपनी के लिए अडानी पिरामल समेत 2 कंपनियाँ जो है इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की इच्छुक है और बोलियां लगा रहे हैं। ओक्ट्री ने पूरी कंपनी के हिस्सेदारी के लिए बोली लगाई है, जबकि अडानी ग्रुप ने कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो और स्लम रीडेवलपमेंट पोर्टफोलियो की बोली लगाई है और पिरामल ग्रुप ने रिटेल पोर्टफोलियो के लिए दिलचस्पी दिखाई है। मोलटेक पैकेजिंग राइट इशू का ऐलान हो चुका है, हर 50 शेयर पर 1 राइट शेयर और 6 डिटैचेबल वारंट्स आपको मिलेंगे। राइट शेयर का भाव 180 रुपये तय किया गया है और वारंट शेयर का भाव जो है वो 184 रुपये तय किया गया है। इस पूरे राइट इश्यू से कंपनी करीब करीब 70 करोड़ के आसपास जुटाने वाली है। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि मारुति ने 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल ऑफर की घोषणा की है। कंपनी 11,000 तक का स्पेशल डिस्काउंट जो है अक्रॉस इनकी जितनी कार्स है उसमें देने वाली है। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। आइए देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। एक मिनट, दीप 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 दीप
दीप एक मिनट जी सर, दीप एक मिनट, मैं वरुण से सवाल पूछना चाहता हूँ। वरुण, ये भेदभाव क्यों? सरकारी कर्मचारियों के लिए तो बढ़िया है, अच्छी बात है उन्होंने किया, हम प्राइवेट सेक्टर वालों ने क्या बुरा किया है, हमारे लिए क्यों नहीं? अब अनिल जी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये भेदभाव मारुति ने किया, मैंने तो नहीं किया। अब हो सकता है इनको लगता होगा कि प्राइवेट वालों के पास पहले से। भार्गव साहब को तुरंत प्रभाव से रिक्वेस्ट दीजिए जी, आरसी भार्गव साहब को रिक्वेस्ट दीजिए एक इंटरव्यू के लिए, और तुरंत प्रभाव से इंटरव्यू के लिए बुलवाइए उन्हें। जरा पूछा जाए कि हम भी आपकी कंपनी को उतना ही प्यार करते हैं सर जितना बाकी सब लोग करते हैं, तो चलिए सरकारी के अलावा बाकी सब लोगों को भी एक सस्ती गाड़ी, कितना 11,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं? 11,000 रुपए प्रति कार, जो भी कार आप लेंगे उसमें 11,000 का डिस्काउंट। चलिए बड़ी, चलिए अच्छी बात है, तो सबको मिले तो और बढ़िया, नहीं तो ठीक है, जिन्हें मिल रहा है उनको शुभकामना। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब और स्टॉक्स बाकी हैं, एफआईआर, हाँ एफआईआर बाकी है, तो आइए आशीष से ले लेते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। बताएं आशीष, कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज आपके पास? मॉर्निंग अनिल जी, नतीजों पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले देखिए, वीकेंड पर एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए थे और 6 रिपोर्ट्स में देख रहा हूँ ब्रोकरेज हाउस की आई, सबकी सब पॉजिटिव है। लगभग 5 ब्रोकरेज हाउस ने तो टारगेट प्राइस में भी इंक्रीज किया है। सब कह रहे हैं कि कलेक्शन जो है अब नॉर्मल स्तर पर पहुंच गया, कंपनी की मजबूत फ्रेंचाइजी है, आगे भी ग्रोथ का बढ़िया अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, सीएलएस खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1450 से बढ़ाकर 1525 कर दिया, 1203 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 1450 से 1550 कर दिया लक्ष्य। नोमिरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1325 से बढ़ाकर 1450 कर दिया है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 1220 से बढ़ाकर 1460। मैक्वायरी ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1219 से बढ़ाकर करीब 1490 रुपये लक्ष्य कर दिया है। यानी सबके सब ब्रोकरेज हाउस अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक के नतीजों से काफी ज्यादा खुश हैं। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इसके भी नतीजे वीकेंड्स पर आए थे, नतीजे जो है अनुमान से कमजोर देखने को मिले थे, जिसके चलते जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य में 50 रुपए की मामूली कटौती की है, लक्ष्य 2200 से घटाकर 2150 कर दिया, करीब 1990 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि जो रिकवरी है इसके संकेत तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आय का आंकड़ा जो है अनुमान से कमजोर है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर यहाँ पर भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन ये स्टॉक पर पॉजिटिव है और ये 2600 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। शुक्रवार को नतीजे आए थे एचसीएल टेक के, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस सीएलएसई की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए, 830 रुपए की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि इंफ्रा सर्विस में अगर आप देखें तो अच्छी मौजूदगी की वजह से इनकी मार्केट शेयर में बढ़िया बढ़त देखने को मिली है, नतीजे जो है आय और मार्जिन के फ्रंट पर अनुमान से बेहतर देखने को मिले थे। नोमिरा भी पॉजिटिव है, ये भी खरीदारी किराए दे रहे हैं, 970 का लक्ष्य दिया है। कह रहे हैं कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो बेहद आकर्षक नजर आ रही है। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है फेडरल बैंक पर, सिटी की रिपोर्ट है और काफी ऊंचे लक्ष्य दिए गए हैं यहाँ पर, खरीदारी के राय के साथ लक्ष्य बढ़ाकर 75 कर दिया है, 52 की क्लोजिंग है। और ये कह रहे हैं कि प्रोविजनिंग फ्रंट पर अगर आप देखें तो अनुमान से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और अन्य पैरामीटर्स भी अगर आप देखें तो अच्छे देखने को मिले। ओके, तो ये है आपके लिए वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आपको करना है फोकस आज के लिए। आइए अब करते हैं शुरुआत रिजल्ट्स के एनालिसिस की, वरिंदर बंसल है हमारे साथ तैयार। स्वागत है आपका वरिंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन कौन से रिजल्ट्स आज आपने चुने हैं अपनी लिस्ट में, किसका विश्लेषण करने जा रहे हैं आप? सर, आई विल पुट आउट यू नो कंपनी इज अ स्टैंड आउट। मेरे हिसाब से लास्ट 3 दिन में 2 कंपनीज जिनके नंबर्स अच्छे हैं और वैल्यूएशन वाइज भी अच्छी थी, वो है द फर्स्ट वन इज ओबेरॉय रियल्टी। यू नो अगर आप देखें तो यू नो वाई एन वाई तो अपने को सबको पता है कि खराब नंबर्स आने ही थे, बट इवन वाई एन वाई उतने नंबर खराब नहीं है। प्लस क्वार्टर क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग पिकअप हुआ है इस कंपनी का, प्लस इंपॉर्टेंट है कि कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज हुआ है, बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग हुई है इस कंपनी की। तो अगर आप देखो तो यू नो सेल्स कुछ 118 करोड़ से 316 करोड़ हो गई है, प्रॉफिट 140 करोड़ वर्सेस 28 करोड़ है क्वार्टर एंड क्वार्टर, इवन वाई एन वाई वही लेवल है, 140 करोड़ का लेवल ही है। तो वाई एन वाई भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुआ है, यू नो 1.5 times प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, तो एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है। आई थिंक वो एक प्रेस्टीज का न्यूज भी आया है जहाँ पे वो रेंट लेस बेचते हैं, तो इट मे हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन ओबेरॉय एज़ वेल।
तो ऑल एंड ऑल पुट टुगेदर इट्स अ गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम ओबेरॉय रियल्टी। दूसरा कंपनी जहाँ पे नंबर्स अच्छे आए हैं सर वो है आईएफएल सिक्योरिटीज। अगेन मैं इसलिए अच्छे बोल रहा हूँ बिकॉज वैल्यूएशन के साथ अगर देखा जाए तो स्टिल ये स्टॉक कुछ ज्यादा टाइम पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप कुछ 1200 करोड़ का है। अगर आप देखें तो सेल 16% ऊपर थी, एबिटा 27% ऊपर था, प्रॉफिट 100% ऊपर था, यू नो प्रॉफिट 25 करोड़ से 50 करोड़ हो गया है वाई एंड वाई। इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है सर, अगर आप डिटेल्स भी देखेंगे ना कि कस्टमर एक्विजिशन कितना हो रहा है, एवरेज डेली टर्नओवर कितना हो रहा है, वो सब अच्छे हो रहे हैं कंपनी के। आप देखिए रिटेल ब्रोकिंग रेवेन्यू इस बार 80 करोड़ था, वाई एंड वाई इट वॉज आप 50%, क्वार्टर एंड क्वार्टर इट वॉज आप 20%। तो यू नो इन ऑल दिस पुट टुगेदर आई थिंक इट्स अ सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स। आई थिंक एबिलिटी सर आपने बात करी चुकी सारी की सारी, आई विल जस्ट एड वन लाइन टू इट। यू नो ऑनेस्टली मेरे हिसाब से नंबर वीक हैं, यू नो हम लोग कभी भी इस चीज़ को मानते नहीं है एवरी सुपर मार्केट है। वन लाइन सर, ये स्टॉक अभी 140 टाइम पीटीएम पे ट्रेड कर रहा है और अमेजन आज की डेट में 100 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। तो यू नो द वैल्यूएशन व्हाट वी आर गिविंग एवेन्यू इज नियरली 40% हायर देन अमेजन, आई डोंट नो व्हाई। टाटा कॉम्युनिकेशन सर, नंबर्स आपको क्वार्टर क्वार्टर दिखने चाहिए, वाई एंड वाई नहीं दिखने चाहिए। तो वाई एंड वाई तो बहुत फैंटास्टिक नंबर दिखेंगे आपको, पर आप प्लीज सोचिए कि स्टॉक भी 4 गुना भाग चुका है, यू नो 4 टाइम्स हो गया है 52 वीक लो से। तो सेल्स अगर आप क्वार्टर क्वार्टर देखें तो नंबर्स ठीक आए हैं, नंबर्स आर नॉट सुपर डुपर ग्रेट, सेल्स फ्लैट थी। द ओनली रीजन वाई प्रॉफिट यू नो 258 करोड़ से 384 करोड़ हो गया है वो इसलिए बिकॉज एक्सपेंसिस 150 करोड़ से कम हो गए हैं। तो जो भी कुछ आया क्वार्टर क्वार्टर वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, नॉट बिकॉज की सेल्स ऊपर गई हैं। डेटा एंड मैनेज सॉल्यूशन बिजनेस है इसका सर जो ग्रो कर रहा है, उसमें इसको एबिट इंप्रूवमेंट बहुत शानदार रही है, 400 करोड़ से 550 करोड़ हुआ है। आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग सरप्राइज द पीटर, अदरवाइज 60-65 times यू नो ट्रेलिंग प्राइस ऑन मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, सो नॉट अ वेरी चीप स्टॉक बाय एनी स्टैंडर्ड। शॉपर्स आर कंटिन्यूस टू डिसअपॉइंट इन वंस अगेन सर, क्वार्टर टू द लॉस आया इसका बड़ा, सो नथिंग ग्रेट, बट फॉर मी स्टैंड आउट इफ यू आस्क मी विल बी ओबेरॉय रियल्टी, आईएफएल सिक्योरिटीज इन द टू कम। ओके, इसके अलावा भी कोई और रिजल्ट्स हैं आपकी लिस्ट में या यही सारे? सर और जो आए थे उसमें यही है मेन, और छोटे छोटे और बहुत कंपनीज हैं, बट सर टू बी ऑनेस्ट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डील, सो आई विल बी लुकिंग फॉर सीमेंट वेरी क्लोजली। आई थिंक आज ईसीसी के नंबर्स हैं, सो यू नो सीमेंट इज वन इंपॉर्टेंट सेक्टर टू यू नो टू बी फोकस। सेकेंड मेरा फेवरेट जो एपीआई है दैट इज स्टार्टिंग टू रिपोर्ट रिजल्ट्स टुमारो, तो उसको मैं बहुत क्लोजली देखूंगा। तो ग्रैनी के नंबर आने वाले हैं कल, अदरवाइज HDFC बैंक सर आपने इन्फ्लेशन एनालिसिस कर ही लिया था, फेडरल बैंक के नंबर अच्छे हैं सर, उसका बहुत अच्छा अपडेट आया है जो अगर आप सब पूछे तो फॉर मी फेडरल बैंक इज मच मोर बेटर यू नो सब टू अदर सेक्टर। ओके, जो आप कह रहे हैं ना कि क्यों डीमार्ट इतना महंगा ट्रेड कर रहा है, उसकी एकमात्र वजह ही पता नहीं अब तक हम इसी चीज़ की खोज कर रहे हैं कि अब तक FNO में आया क्यों नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी होगी इतना लिक्विड स्टॉक है लेकिन वायदा कारोबार में आया क्यों नहीं। जिस दिन वायदा कारोबार में आएगा शायद उस दिन इसके वैल्यूएशन ठीक होते हुए दिखेंगे, लिक्विडिटी भी बढ़ेगी और शायद हो सकता है लोग अगर जो हिम्मत वाले लोग हैं वो शॉर्ट भी करें, देखते कब होता है। शुक्रिया वरिंदर ये पूरा विश्लेषण देने के लिए, और इस हफ्ते आपका काम बढ़ने वाला है, अब नतीजों की लिस्ट लंबी होती हुई दिख रही है तो आपको पिक एंड चूज करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए कल सुबह फिर से आपसे होगी मुलाकात, और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हम कुछ एक और विशेष आयोजन करने की सोच रहे हैं वरिंदर के साथ, थोड़े वक्त का इंतज़ार कीजिए, हम आपको बताएंगे क्या कुछ आपके लिए और क्वालिटी कंटेंट आने की तैयारी में। आइए तब तक हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका करते हैं स्वागत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। आप सभी को सुप्रभात, और चलिए करते हैं शुरुआत बंसल जी, बताएं सर आपका आज का पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी पिक ऑफ द डे से पहले एक छोटा सा प्रश्न है कि अनिल जी आप कौन सा अनिल जी मारुति का प्रोडक्ट यूज करते हैं, कि कौन सा खरीदने वाले हैं, या फिर जो 11,000 रुपए का डिस्काउंट आप प्राइवेट प्लेयर के लिए मांग रहे हैं, मतलब यू मेरे वरुण और दीपांशु जैसे लोगों के लिए है और ये आपके लिए, तो अनिल जी आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा अनिल जी मारुति का प्रोडक्ट है, या अगर नहीं है तो कौन सा आप प्लान कर रहे हैं। तो बंसल जी यही तो फर्क है आप में और मेरे में, देखो मैं सबके बारे में सोचता हूँ, मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ,
मैं तो सबके लिए, मुझे तो मेरे सारे दर्शकों के लिए भी ध्यान रखना पड़ता है, मेरे सहयोगियों का भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो मेरे सबके लिए, हो सकता है आप खरीदे तो आपके लिए भी, तो मुझे तो कोई बात नहीं, ना मिले चलेगा, कोई बात नहीं, आप लोगों को मिले बंसल जी, इसके लिए आप सबके लिए जरूरी है कि सबको सामान मिले, सरकारी कर्मचारियों को भी और बाकी लोगों को भी। 11,000 का आंकड़ा भी शुभ है, तो इसलिए आप लोगों के लिए मांगा बंसल जी, मैंने अपने लिए थोड़ी मांगा है जी। देखिए अनिल जी, एक अपडेट देता हूँ अनिल जी, देखिए ये फर्क जो अनिल जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखिए अनिल जी, ऊपर वाले ने आपके कंधों पे जिम्मेवारी ज्यादा डाली है, इसी चीज का फर्क है। और रही बात अनिल जी पिक ऑफ द डे की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE को खरीदने की राय है 517 का स्टॉप लॉस है, 537 का टारगेट है और 1 से 2 दिन का नजरिया है। ओके, BSE मैंने शेयर पूछा था, बंसल जी ने पूरा एक्सचेंज ही खरीद लिया। चलिए, BSE खरीदने की राय है 525 रुपए के लेवल के आसपास, 537 का टारगेट। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरी भी खरीदारी की राय है और खरीदना है SRF, जिसमें कि एक ब्रेकआउट हमने शुक्रवार को आते हुए दिखा था और ये स्टॉक पहली बार 4400 रुपए के ऊपर बंद हुआ शुक्रवार को, तो मुझे लगता है अनिल जी यहाँ पर आपको एक तेजी देखने को मिलेगी। मेरा टारगेट 4600 का है पहला, तो 4600 के टारगेट के लिए बाय करें, 4400 पर स्टॉप लॉस रख लें, तो SRF में खरीदारी की राय। ओके, SRF ने अपने QIP के दाम भी तय कर दिए और वो दाम तय किए थे 4250 रुपये, अगर मुझे सही से याद है तो। जी हाँ, 4250 रुपये QIP का दाम तय किया और QIP वाले इन्वेस्टर्स देखिए अभी से ही 200 रुपये प्रॉफिट में भी आपको नजर आएंगे। वागल साहब गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पसंद का शेयर आज के लिए। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग, मैं बाय करूंगा टाटा स्टील मेटल्स में, इसमें मुझे तेजी दिखती है। फ्राइडे को भी आधे घंटे में, पिछले लास्ट वन आवर में जो मूवमेंट आई, मुझे लगता है JSW स्टील जिस तरह से चला, आज टाटा स्टील का दिन होगा। 394 का बंद है मेरा, 390 का एक क्लोज स्टॉप लॉस होगा, 4 रुपए की रिस्क होगी सिर्फ, और 405 का टारगेट मुझे लगता है आज के दिन में ही आना चाहिए। ओके, 405 के टारगेट पे। साथ ही विश्वेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विश्वेश जी एकदम पूरी तरह से फेस्टिव मूड में भी लग रहे हैं। विश्वेश जी नवरात्रि की शुभकामनाएं भी आपको, और साथ ही बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको, दीपांशु को और हमारी पूरी पैनल को। देखिए मेरी ओर से भी मेटल में ही राय है और स्टॉक खरीदना है JSW स्टील। फ्राइडे के दिन में हमने इसमें बाय किया था और आज भी रिकमेंड कर रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डेटा है, 30 लाख और शेयर फ्यूचर में एड हुआ है, 7.5% ओपन इंटरेस्ट, लेकिन जो पुट राइटिंग हुई है वो 68% से बढ़ गई है, विच इज अगेन 30 लाख शेयर, और कॉल रिलेटिवली 16 लाख शेयर ही एड हुआ है। पुट कॉल रेशियो अभी भी 1 के नीचे है, मतलब सिस्टम में शॉर्ट है, और मुझे लग रहा है कि इमीडिएट 310 के कॉल में जो 1,090,000 शेयर है वहां पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो JSW स्टील खरीदना चाहिए। थोड़ी गिरावट आए तो और अच्छा रहेगा, लेकिन एंट्री 312 की है, मुझे लगता है 305 तक मिलता है तो भी एंट्री करिए और स्टॉप लॉस 300 के नीचे का रखिए। मुझे लगता है टारगेट इसका 330-340 तक रह सकता है, लेकिन ये 2 से 3 दिन का व्यू है, इंट्राडे में मुझे लगता है 320 तक जा सकता है, तो JSW स्टील खरीदने की राय मेरी ओर से। ओके, और JSW पिक ऑफ द मंथ, शुक्रवार को कुणाल जी और राकेश जी ने क्लोजिंग शो में कहा भी कि इसे पिक ऑफ द मंथ के तौर पर देखिए, पिक ऑफ द डे के लिए, उसके लिए हमें बिगुल की बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, कौन सा बिगुल बजाए, फिर हमने स्पेशल पिक वाला बिगुल बजाकर आपके लिए बताया भी। आइए जैन साहब भी हमारे साथ तैयार है, जैन साहब बताइए आपको क्या पसंद है आज के लिए। नमस्कार। बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं भी कुछ पिक ऑफ द डे के हिसाब से मेटल स्टॉक्स ही लेके आया हूँ, और रिसेंटली मैंने टिन प्लेट भी दिया था और उसके नंबर्स भी अच्छे ही आए हैं, तो बट अदरवाइज आज के लिए जो है वो टाटा मेटालिक्स है और नैल्को। वैसे PSU उसको जनरली मैं भी कम रेकमेंड कर रहा हूँ इन दिनों में, बिकॉज ऑफ वो डिसइन्वेस्टमेंट और वो सब इश्यूज रहते हैं, बट जिन लेवल्स पे है वहां से डाउनसाइड इज बहुत कम है, तो नैल्को कैन बी एक्सप्लोर्ड। और ICICI बैंक मैंने इनफैक्ट फ्राइडे को जो इवनिंग शो था वहां पे मैंने दिया था, और एक मुझे लगता है प्रेस्टीज एस्टेट के लिए वीकेंड पे अच्छी न्यूज थी, तो वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। सो ओवरऑल मुझे लगता है बैंकिंग स्पेस में बिकॉज ऑफ HDFC बैंक माहौल ठीक बना रहेगा, और उसके बाद सबसे बढ़िया ऑप्शन ICICI बैंक है, तो आई एम वेरी बुलिश ऑन ICICI बैंक एंड प्रेस्टीज स्टेट पे भी ध्यान रखा जा सकता है। ओके, तो प्रेस्टीज स्टेट, ICICI बैंक, नेल्को, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है, और टाटा मेटेलिक्स जिसके नतीजे आज आने वाले हैं,
टाटा मेटेरियल्स के नतीजे हाँ आज ही हैं, तो टाटा मेटेरियल्स के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। रिजल्ट कैश मार्केट के जो और आ जाने वाले हैं उसमें रैलीज है, टेक्समेको रेल, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज जिसको एलटीटीएस आप बोलते हैं, सीसीएल प्रोडक्ट, हिंदुस्तान जिंक भी आएंगे। हाँ हिंदुस्तान जिंक, इस पर राय ली जाए। जैन साहब, रिजल्ट के पहले हिंदुस्तान जिंक खरीदना चाहिए, डिविडेंड का भी ऐलान होने की संभावना है, तो बताएं क्या क्या इरादा है आपका हिंदुस्तान जिंक को लेकर? देखिए माहौल तो ऐसा बना कि पोस्ट वेदांता, देखिए हिंदुस्तान जिंक पे लोगों की काफी नजरें हुई है, इन्वेस्टर्स सब लोग वहां देख रहे हैं और डिविडेंड एक अच्छा वो है ही है, प्लस सिल्वर का भी जिस तरीके के प्राइसेस स्ट्रांग है तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ठीक है माहौल देखा जा सकता है। बाकी डिविडेंड इज अ वेरी गुड प्ले और हिंदुस्तान जिंक पर्टिकुलरली मुझे वैसे अच्छा लगता है, तो इन लेवल्स पे जिनके पास है वो होल्ड करके रखे। बाकी मेटल स्टॉक्स में मैंने जो आज ऑप्शंस दिए हैं वहां पे ध्यान दिया जाए, बट ओवरऑल मुझे लगता है आने वाले दिनों में मेटल्स कुड प्ले अ गुड दिस थिंग, अच्छा माहौल बन सकता है और अच्छी तेजी आ सकती है, तो हिंदुस्तान जिंक इज अ बाय ऑन डिक्लाइंस एंड अ होल्ड फ्रॉम माय साइड, स्ट्रांग होल्ड। ओके वागल साहब, आपका पसंदीदा डॉक्टर रेड्डीज, एक अच्छी खबर डीजीसीए से, इन्हें कोरोना की एक वैक्सीन स्पुतनिक इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मिल चुकी है, दूसरे और तीसरे फेज के लिए। खबर अच्छी है, चार्ट भी अच्छे हैं ना, खरीदें? अनिल जी चार्ट तो अच्छे हैं लेकिन थोड़े से रेंज बाउंड है, 5000 ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है एक स्ट्रांग सपोर्ट होगा, ऑन द अपसाइड 5300 ये लेवल तोड़ेगा, तोड़ने के बाद ये एक बड़ी वाली मूव आएगी, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इसमें तोड़फोड़ तेजी होगी। खबर अच्छी है, ऊपर गैप से खुलता है तो ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, ऑब्वियसली मैं शॉर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो जो मोमेंटम है वो 5350-340 के ऊपर निकलने के बाद ही आएगा। ओके टाटा मोटर्स, बंसल जी जरा इसके चार्ट देखिए, एक अच्छा अपग्रेड आया है सीएलएसए की तरफ से, 220 रुपए के लक्ष्य के साथ टाटा मोटर्स में तेजी करने का इरादा रखते हैं आप? अनिल जी देखिए वेट एंड रडार पर स्टॉक है और कोई अगर इस रिपोर्ट के चलते स्टॉक को बाय करना चाहता है तो सबसे पहले एक स्टॉप लॉस है, 125.80 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अनिल जी मैं थोड़ा सा खरीदारी के लिए रुकूंगा कॉल देने के लिए, और कॉल से मतलब है चार्ट कॉर्नर की कॉल देने से पहले थोड़ा रुकेंगे, 132 के लेवल टूटे उसके ऊपर सस्टेन करें तब एक इरादा बनाएंगे, बट इन स्तरों पर भी कोई लेता है तो 125.80 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है। अच्छा एक चीज बताइए जरा जैन साहब, ये जेट एयरवेज खरीदने का इरादा रखते हैं क्या अब आप? एक अच्छी खबर आई है बड़े दिनों बाद कंपनी की, कैलरॉक कैपिटल और मुरारी लाल जैन साहब है आपके सरने वाले, उन्होंने उनके कंसोर्शियम ने बोली जीती है इसके लिए, तो ऐसा लग रहा है कि अब रिवाइवल हो सकता है। अब इसको ये जो प्लान बना है रिजोल्यूशन प्लान, इसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने तो मान लिया कि चलो ठीक है इनको दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब एनसीएलटी की मंजूरी के लिए जाएगा, साथ ही एविएशन मिनिस्ट्री की मंजूरी लगेगी, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय, मतलब अब आगे आगे मंजूरी, मंजूरी का पहला पड़ाव इन्होंने पार किया है कि क्रेडिटर्स जिनको पैसा लेना है जेट एयरवेज से वो तैयार हो गए हैं, क्या करना चाहिए और जिन लोगों के पास जेट एयरवेज के शेयर पड़े हैं वो क्या करें, नए खरीदने तो बताओ? देखिए नई खरीदारी की तो मैं राय नहीं दूंगा अनिल जी, बट जिनके पास है वो अब होल्ड करें क्योंकि कुछ पॉजिटिविटी आई है और 40 रुपए के लगभग है, बट जिस तरीके से एयरलाइंस का माहौल बना हुआ है आप देखिए दूसरे स्टॉक्स भी अवेलेबल और जहां पे इंडिगो जैसा एक अच्छा बेट हो तो मैं वहां पे ज्यादा मतलब इस एयरलाइन पे अगर और इस इंडस्ट्री पे बेट लगाना ही है तो वहां जाए देंगे। बाकी मुझे ऐसा लगता है जो नाम को लेकर कंफ्यूजन है मुरारी लाल जी जैन या मुरारी लाल जी जालान, तो मैं वो पढ़ रहा था उनके बारे में, शायद जालान ऐसा लगता है मुझे अनिल जी, और ये दुबई बेस्ड एक बिजनेसमैन है, अब देखते हैं उनका क्या स्ट्रैटेजिक हो, उनके बारे में मैं कोई विशेष निकाल नहीं पाया कि क्या उनका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रहेगा इस कंपनी में, जस्ट एज एन इन्वेस्टर आए हैं या किस तरीके से है, सो ओवरऑल लेट्स सी क्या होता है, बट मुझे कोई बहुत ज्यादा इससे वो नहीं लगता कि एक बार जरूर से उछाल दे सकता है, बट होल्ड की राय है एंड फुल सर्विस एयरलाइन के रूप में आएंगे जैसा कि है और बाकी सारी चीजें इंटैक्ट रहेंगी, सो सर्टेनली इट्स अ गुड न्यूज फॉर द होल बैंकिंग इंडस्ट्री ऑल्सो द लेंडर्स ऑल्सो, एंड एक मुझे जो अच्छी चीज लगी कि अच्छी एक जो इस इंडस्ट्री में जो वैसे एयरलाइंस को लेकर और जेट एयरवेज को लेकर जो एक बहुत बड़ी वो थी वो एक खत्म होती हुई दिख रही है और सरकार की इसमें एफिशिएंसी की मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी हुई है, इट इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट, तो लेट्स सी आगे इनको अप्रूवल्स कैसे मिलते हैं और किस तरीके से आगे चीजें बेटर पैन आउट होती है। ओके तो ठीक है, तो ये है आपके लिए
और इसमें ध्यान रखें, नाम मुरारी लाल जैन नहीं, मुरारी लाल जालान है। जैन साहब ने बोला जैन नहीं है तो मतलब नहीं है, फिर तो पक्का जैन होता तो वैसे भी जैन साहब को पक्के से मालूम होता रहा। तो चलिए तो जैन साहब इसमें चेक करने की जरूरत ही है, आपने बोल दिया वो फाइनल है बिल्कुल पक्के तौर पर, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन स्टॉक 40 रुपये हो गया, ये वापस घूम फिर के 40 कब हो गया पता ही नहीं चला, आज देखा इतने दिनों बाद नजर आई ये तो 40 रुपये पे आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा केडिला, जरा वागले साहब इसके चार्ट पे नजर डाल दीजिए आप। इनके कैप्सूल को और कुछ दवाओं को मंजूरी मिली है यूएस एफडीए से, लीवर शुगर की दवाएं हैं, कुछ और कैप्सूल हैं, इनको मंजूरी मिली, खबर अच्छी है। मंजूरियां बराबर मिल रही है कैडिला को, कोई कोई हर 2-3 दिन में कोई कोई एक मंजूरी मिल जाती है। तो बताइए इसके चार्ट्स पे क्या सिचुएशन है अनिल जी? व्यू पॉजिटिव है डेफिनेटली, एक करेक्टिव मूव आई है पिछले 3-4 दिनों से। फ्राइडे को 410 411 से सपोर्ट लेके ये स्टॉक घुमा है, 430 पे मैं कहूंगा 460-470 तक जाने के लिए पोजिशनली तैयार है। आपको यहाँ पर बाय करना है, थोड़ा हल्का सा गिरावट आ सकता है, करेक्टिव मूव आ सकता है, उसमें बाय करें। 418 का स्टॉप लॉस होगा, 470 का टारगेट होगा पोजिशनली। ओके ये है आपके लिए केडिला हेल्थ केयर पर राय खरीदारी करने के लिए आज से, परफेक्ट है। अच्छा एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन मजबूती के साथ होता हुआ दिखाए, वो है टाटा कम्युनिकेशन। इसके रिजल्ट्स आए, आय बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है तिमाही दर तिमाही में, लेकिन कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन थोड़े से बढ़े हैं, और फेवरेट स्टॉक रहा है हमारे कुणाल जी राकेश जी का। तो कुणाल जी देखने हैं चार्ट्स, आपको आपने रिकमेंड भी किया था मुझे याद है अच्छे से, शायद 550-550 के आसपास, और वहाँ से जो बड़ी तेज़ दौड़ लगाई है, अब स्टॉक 450 के आसपास से जबरदस्त तेजी करता हुआ, बताइए क्या है आपकी राय? अनिल जी देखिए चार्ट अच्छा है, हमने शुक्रवार को भी कुछ एक्टिविटी देखी है। सबसे अच्छी बात अनिल जी ये है कि 800 रुपये पर एक बड़ा सपोर्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लेवल्स वायलेट होंगे, और एक इमीडिएट सपोर्ट 850 रुपये के आसपास नजर आता है, तो 850 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल निवेशित रहने की राय है। जिनके पास भी पोजिशन है बने रहे, मुझे लगता है कि 950 तक जा सकता है, 850 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। ओके 850 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय है टाटा कम्युनिकेशन में, यहां पर खरीदारी और हो सकती है।